एंगुलर मोमेंटम। मास मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज लीनियर मोमेंटम पी। कितना है लीनियर मोमेंटम? पी का वैल्यू एम वी। पी का डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन है। बहुत अच्छा। व्हेन अ मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस देयर इज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोशन विच इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये है ना ऑब्जेक्ट, ये एक पॉइंट ओ है और ये ए पे एक है ना एक पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी वी से जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो ओ है इसको देख रहा है, ठीक है ना, इसको देख रहा है। ये ए जो है इधर चला गया, इस साइड जा रहा है, तो ओ को मुंडी घुमाना पड़ेगा ना इस डायरेक्शन में। यस और नो? ठीक है, हम देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो मैंने कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, अरे भैया ठीक है जल्दी आ जा। ठीक है ना, हम जो है ऐसे देख रहे हैं इसको, यस और नो? ऐसे देख रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से किधर चला गया? यहाँ चला गया, यस और नो? अब तो हमको इधर देखना पड़ेगा ना भैया जी, पहले जो हम ऐसे देख रहे थे अब हमको ऐसे देखना पड़ेगा, मुंडी घूमेगा ना, एंगल रोटेट किया, तो इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम उसका है। अब ये समझ में, उसका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अगर ये भैया जी इधर चलते रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, हमको मुंडी घुमाना नहीं पड़ता। आगे समझना, तो ये अपना हम लोग लोकल भाषा में समझ लिए कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। लेकिन हमेशा आपको कोई है ना, हमेशा आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा कितना मुंडी घुमाना है, वो सब नहीं आएगा, ले रखे समझ लीजिए कि घुमाना पड़ेगा, एंगल रहेगा, ठीक है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम। व्हेन अ मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस देयर इज अ मोमेंटम एसोसिएट विद रोटेशनल मोशन व्हिच इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। जस्ट एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लीनियर मोमेंटम के लिए भैया हमको चाहिए ना फोर्स, ये वाला नोटबुक भेजिएगा के साथ, यही वाला नोटबुक भेजिएगा, पढ़ी पढ़ी क्लास कल दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। व्हेन अ मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट देयर इज मोमेंटम एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, मुंडी घुमाना पड़ेगा। जस्ट एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हमको किसके लिए? लीनियर मोमेंटम चेंज करने के लिए। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कैसे होता है वेलोसिटी चेंज, बताइए क्या चाहिए वेलोसिटी चेंज करने के लिए? एक्सेलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? फोर्स। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो भैया फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन जब फोर्स रहेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं बढ़ना है।
100 वर्ड्स, ठीक है. अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. इज एन एट टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से. हम जो है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो है ऐसे जा रहा है, हम जो है अपना बॉडी ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, हम ऑब्जेक्ट हम जो है अपना मुंडी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, क्लियर है क्या. इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर मोमेंटम है, तभी तो हमको मुंडी घुमाना पड़ रहा है कि नहीं. लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तुमको जल्दी घुमाना पड़ेगा ना. पहले जिससे जिस एंगुलर मोमेंटम से जा रहा था उससे हम घुमा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं. धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे मुंडी घुमा के देख रहा है. अब जो है भैया ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, ज़्यादा ओमेगा हो गया उसका, ठीक है ना. जो हम पहले ऐसे घुमा रहे थे, अब हमको उसको देखने के लिए ऐसे जल्दी करना पड़ा, ठीक है. मतलब कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, तो ओमेगा चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा. एग्जैक्टली, बी चेंज करने के लिए क्या चाहिए, ए. ओमेगा चेंज करने के लिए अल्फा. आई अल्फा क्या होता है, टॉर्क. तो टॉर्क आ गया ना, जब टॉर्क होगा तो अल्फा होगा, अल्फा होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, अल्फा होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज. कोई दिक्कत, ठीक है. जस्ट एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन जेईई, द एंगुलर मोमेंटम इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग तीन टाइप में होगा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट एक्सिस, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी विच इज आर क्रॉस एम वी. सपोज अ पार्टिकल ए ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ लीनियर मोमेंटम पी इक्वल्स एम वी. इट्स एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी विच इज आर क्रॉस एम विच इज एम इंटू आर क्रॉस वी. क्लियर है क्या ये सॉर्ट ना, ठीक है. ये डेफिनेशन ही, ठीक है, काम खत्म. हियर आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ए अबाउट ओ एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. द मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज गिवन बाय एल इक्वल्स एम वी आर साइन थीटा. थीटा कहाँ से आ गया, क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में तो साइन थीटा होगा, तो आ गया. विच इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर. एम वी आर परपेंडिकुलर भी देख लीजिए, आर परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या है, आर साइन थीटा. यस और नो, आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया. इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी वी फ्रॉम द पॉइंट ओ. द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज दैट ऑफ आर क्रॉस वी. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी बाय द राइट हैंड रूल एज शोन. राइट हैंड रूल से कर सकते हैं भैया, ये सब तो पहले भी किए हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किए हैं, बस वही. फिगर्स ए एंड सी रोटेशन इज क्लॉक वाइज. ए और सी में क्लॉक वाइज हो गया भैया, ए और सी में भी क्लॉक वाइज है, ठीक है ना. बाकी में एंटी क्लॉक वाइज सब आप लोग देख लीजिएगा. क्लियर है क्या, ये आराम से करना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है. एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमेंबर, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी पासिस थ्रू द पॉइंट ओ देन द आर परपेंडिकुलर इज जीरो. अगर लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है पासिस थ्रू द पॉइंट ओ, तो इसका मतलब आर जीरो हो गया, या फिर आर जो है ऐसा हो गया कि आर और वी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, क्रॉस जीरो हो जाएगा. अगर दिन में टेंशन मत लीजिए, बताते
कहाँ है भैया? नया मीटिंग चल रहा है। ओ ये चल रहा था ऑलरेडी। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। अगर मानिए कि भैया V इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, किस ऑर्डर, ठीक है, इधर नहीं जा रहा इधर जा रहा, तो R क्रॉस V 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? R और V में कितना एंगल? 0 डिग्री। आर इधर ही है, वी इधर ही है, जब थीटा रहेगा तब तो साइन थीटा कुछ हो जाएगा ना भाई, थीटा 0 डिग्री, क्लियर है क्या? आर आर भी इधर है, वी भी इधर है, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, क्लियर है? अब मानिए कि वी इधर है तो भी 0 होगा, आर इधर वी इधर 180, साइन 180 फिर से 0, फिर से 0 हो गया। इसीलिए क्या बोल रहा है, इसीलिए भैया जी बोल रहे हैं कि इफ दी वेलोसिटी वेक्टर या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, दोनों के केस में वेलोसिटी वेक्टर इज पासिंग थ्रू हो, दिख रहा है क्या? इज पासिंग थ्रू, काम खत्म, आगे बढ़ा जाए। इफ अ पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कल देन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू आर, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्लियर है क्या? और थीटा बिटवीन आर एंड वी इज ऑलवेज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ओवर द सेंटर इज एल इक्वल्स एम वी आर, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि इसमें आर क्रॉस एम वी करेंगे ना, तो इसमें हमेशा 90 डिग्री है, तो आर क्रॉस एम वी साइन 90 हो एक, तो आर इंटू एम वी, तो एल हो गया एम वी आर, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि फाइंड कर लेते हैं डायरेक्शन। तो इसमें देखिए आर क्रॉस ये, इसमें हो जाएगा भैया माइनस के और इसमें हो जाएगा प्लस के, आया दिक्कत? अटेंशन नहीं है, ध्यान से देखिए, ये हो गया जे क्रॉस आई, हुआ ना जे क्रॉस आई माइनस के होता है, ये हो गया जे क्रॉस माइनस आई के होगा, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, आगे बढ़ा जाए। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दैट इज अ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ वेलोसिटी बोथ आर कॉन्स्टेंट, स्पीड भी कॉन्स्टेंट है और डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू विल बी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द फिगर शोन। ध्यान से समझिए, कुछ ऐसा है ये, ध्यान से समझिएगा, कैसे समझना है? ये हो गया आर और इधर जा रहा है ये एम वी हो गया, यस और नो? तो अब देखिए ध्यान से समझने का है, ये है थीटा, क्लियर है क्या? यहाँ पे ये थीटा 1 ले लो और ये ले लो थीटा 2, ठीक है ना? ये हो गया आर 1, ये हो गया आर 2, ठीक है ना? तो यहाँ इस पॉइंट ए के अबाउट निकालें और एक पॉइंट बी के अबाउट निकालें, तो एक पॉइंट ए के अबाउट क्या हो जाएगा? आर वन एम वी साइन थीटा 1, यस और नो? और डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा? माइनस के आर क्रॉस एम वी, दूसरे जगह क्या हो जाएगा? आर टू एम वी, वी कॉन्स्टेंट ही है
साइन थीटा टू माइनस के, यस और नो? अगर ध्यान से देखिएगा, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, दोनों केस में आर साइन, इसमें देखिए आर वन साइन थीटा वन ये है एच, और इसमें भी आर टू साइन थीटा टू एच ही है, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हुआ, यस और नो? इधर भी हो गया एम वी एच, इधर भी हो गया एम वी एच, नहीं समझ में आया? आया समझ में? कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बहुत ही अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जाए। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्या हम बोल रहे थे? एम वी एच क्या है? एंग्लो मोमेंटम सेम आया, दोनों जगह आर क्रॉस एम वी कीजिएगा सेम आएगा, है कि नहीं? ये है आर, एम वी इधर है, यस और नो? तो यहाँ पे आर वन एम वी साइन थीटा वन होगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आर टू एम वी इंटू साइन थीटा टू होगा, लेकिन पॉइंट क्या है, आर वन साइन थीटा वन और आर टू साइन थीटा टू दोनों सेम है। ये ट्रायंगल देखिए, ये आर वन है और ये थीटा वन है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन साइन थीटा वन होगा। और ये ट्रायंगल देखिए, इसमें ये आर टू है, ये साइन थीटा टू है, ये क्या हो जाएगा, आर टू साइन थीटा टू होगा, और दोनों केस में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही है ना भैया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ा जाए, एक बार देख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे बढ़े। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है? सपोज अ पार्टिकल पी ऑफ मास एम इज गोइंग इन अ सर्कल, ठीक है? क्लियर है क्या? क्या कर रहा है ये? सर्कल में जा रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, तो ये भैया जी जब सर्कल में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से ना, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, कौन सा ये बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, तो इस रिजिड बॉडी का जो है अलग अलग पॉइंट अलग अलग दूरी पे, ये आर वन पे है, ये भैया जी आर टू पे हैं, अलग अलग का अलग अलग होगा। तो जनरल पॉइंट हम ले ली आर आई, कोई दिक्कत, ठीक है? इसका मास जो है डी एम है, कोई दिक्कत नहीं है? और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि अब रोटेट कर रहा है, तो ये जो है आर आई पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लियर है क्या, है ना? और लेट अस से ओमेगा है, ओमेगा से कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा आर आई, ओमेगा तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम वी, आर इंटू 90 डिग्री है, कॉस सॉरी आर आर क्रॉस एम वी, तो क्रॉस में साइन 90, ठीक है ना? तो आर इंटू एम इंटू ओमेगा आर आई, साइन 91 होगा, तो क्या हो गया, आर आई स्क्वायर एम इंटू ओमेगा, समेशन कीजिए, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया, है ना? समेशन एम आर आई स्क्वायर, ध्यान से देखिए आई होता है, कोई दिक्कत? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस क्या हो गया, आई इंटू, कोई दिक्कत, अटेंशन, ठीक है? फॉर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द ओरिजिन मे बी चोजन एनी वेयर ऑन द एक्सिस, वी चूज इट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे ले लिए, ऐसे ही घूम रहा है जो, ठीक है?
In this case, R and P are perpendicular to each other and R cross B is along the axis. R cross P along the axis हो गया, angular momentum along the axis. Thus, component of R cross P along the axis is MVR itself, the angular momentum, therefore it becomes sum of all the components. At the end, क्या हो गया? R into omega. This L equals I omega is the component of angular momentum of the whole rigid body about the axis of rotation AB. Direction of this component is again given by right hand rule. For example, in the given figure, L equals I omega is upwards or along the axis of rotation from B to A. Extra points to remember. Vector relation L is equal to I omega is not correct in the above case, since L and omega do not point in the same direction. But we would write, if I were the body symmetry, what I is upwards, ठीक है. देखिए ध्यान से, एल ए बी इज इक्वल टू आई ओमेगा. हम लोग इस एक्सिस के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं. क्लियर है क्या? इस एक्सिस के अबाउट ये आई ओमेगा होगा. यस और नो? यस सर. या जनरली वही आता है. बाई सिमेट्रिक वी मीन दैट द फॉर एवरी मास एलिमेंट देर मस्ट बी आइडेंटिकल मास. ठीक है. एल इक्वल्स आई ओमेगा अप्लाइज ओनली टू बॉडीज दैट हैव सिमेट्री अबाउट द फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस. एल स्टैंड्स फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम. हैव द रिलेशन एल ए बी इक्वल्स आई ओमेगा होल्ड्स फॉर एनी रिजिड बॉडी सिमेट्रिकल और नॉट फॉर दैट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. ठीक है. एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि जब बॉडी रोटेट कर रहा है ना, जब बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका जो है एंगुलर मोमेंटम, इट कैन बी अबाउट दिस एक्सिस एंड इट कैन अबाउट यू नो अदर एक्सिस आल्सो, परपेंडिकुलर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन वो यूज़फुल नहीं होता है, केवल इसी एक्सिस वाला यूज़फुल होता है. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है. कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एग्जाम्पल हो गया साइकिल का चक्का भैया, वो रोटेट भी कर रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास जो है आगे भी जा रहा है. यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम. अरे देखने, देखिए इसके अबाउट रोटेट भी कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास जो है आगे भी जा रहा है वी से. यस और नो? इस केस में हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा. आ रहा है समझ में? यस सर. तो अब जो है सेंटर ऑफ मास को ट्रीट कर लीजिए और वेलोसिटी इसका कुछ हो गया वी लीनियर. आ रहा है समझ में? और प्लस इसके अबाउट तो ओमेगा से ये घूम ही रहा था. काम खत्म. यस सर. V is the velocity of the moment of inertia is about an axis passing the center of mass. Directions of the two terms can be determined by right hand rule. If both the terms are in the same direction, then these two terms are additive, and if they are in opposite direction, they are. तीन चार questions हैं और सात, चार examples हैं, सात questions. ठीक है. हम roughly solve करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे. आप लोग घर में जा करके अच्छे से सॉल्व कीजिए. केवल नोट डाउन मत कीजिए, तब प्रॉमिस कीजिए आप लोग, आज से आप लोग ऐसे ही नोट डाउन नहीं कीजिए. बोलिए, आज से ऐसे ही नोट डाउन नहीं करें. ठीक. पार्टी जो आप चाहे चोरी कर सकते हैं, लेकिन वो चोरी मत कीजिए. पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल्स pz. ठीक है.
स्टेट वेदर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ऑरिजन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना, आर क्रॉस एम वी, ठीक है, चाहे तो बना भी सकते हैं, बना ही लेते हैं। थोड़े समय के बाद ये भैया यहाँ पे आ गए, यस और नो, ठीक है। लेट अस से कि ये था शुरू में, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए कॉमा बी था, ये हो गया ए प्लस वी टी कॉमा बी, यस और नो, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे जो है आर क्रॉस एम वी कीजिए, आर क्या हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस वी, वी है आई कैप में, इधर है ना वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा बी वी माइनस बी वी के, ठीक है, क्रॉस वी आई कैप, ये आई कैप वाला तो जीरो हो गया, फिर से इसमें भी वही आ गया, दोनों में इक्वल हो गया, किधर ध्यान है भैया, पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t अबाउट o बिफोर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन, ठीक है, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, ये u cos थीटा इंटू टी आई कैप हो गया, प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप हो गया, नहीं है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, आर वेक्टर हुआ ये, ठीक है ना, और वी वेक्टर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट, आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, कर लो अब आर क्रॉस एम बी, समझ में है ना, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, सब घर से करके लाइएगा। रॉड ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 2 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सीधा आई ओमेगा कर दो, यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 3 था, कर दो, हम बताओ yes. Yes or no? Yes. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते, ध्यान से देखिए, ये हो गया सेंटर ऑफ मास इसका, है कि नहीं, तो हम लोग पढ़े थे R क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस I सेंटर ऑफ मास ओमेगा, जब सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है वेलोसिटी v से, इसमें सेंटर ऑफ मास जा रहा है ना भैया वेलोसिटी v से, ठीक है ना, तो अब जो है ये ओमेगा है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा R बाय 2 हो गया, ठीक है ना, अगर इसका लेंथ मानिए एल है, ओमेगा एल बाई टू हो गया, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, एल आर क्रॉस एम वी सी ओ एम, तो आर ये कितना दूरी है, ये हो गया एल बाई टू, एल बाई टू इंटू एम इंटू वी ओमेगा एल बाई टू प्लस आई सी ओ एम एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा, ध्यान से देखिए ये 12 है, 1 प्लस 3 एम एल स्क्वायर ओमेगा, क्या हो गया एम एल, ये 4 बाय 3 एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा आया, ठीक है, समझ में आया, दोनों मेथड से हो जाए। सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम, ये घर से करके आइएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, इंट्रोडक्टरी करना है।
जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर होमवर्क करना है। Thank you.